धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि धार्मिक कट्टरता राष्ट्र को नुकसान पहुंचाती है, वही धार्मिक उदारता एवं वैश्विकता राष्ट्र को मानवता के ऊंचाई पर पहुंचाती है। और मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने पर कि मेरा हिंदू धर्म इसी उदारता वैश्विकता और सहिष्णुता की वजह से विश्व में वंदनीय है। आणि मला अभिमान आहे मी मराठी असल्याचा, कारण मी त्या महाराष्ट्रातून येतो ज्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जातीच्या लोकांना एकत्र करून रयतेचं राज्य स्वराज्य निर्माण केलं। मी त्या महाराष्ट्रातून येतो ज्या महाराष्ट्रामध्ये चंद्रभागेच्या तीरी 18 पगड जातीच्या वारकरी बांधवांचा वैष्णवांचा मेळा जमतो आणि तो एकाच पांडुरंगाच्या चरणी लीन होतो। मी त्या महाराष्ट्रातून येतो ज्या महाराष्ट्रातून महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रूढींच्या आणि परंपरांच्या आणि कर्मकांडाच्या चौकटी झुगारून मानवतेला अधिष्ठान मिळवून दिले। अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर देश की आस्था का विषय, भक्तिमार्ग का विषय, और भक्तिमार्ग में माध्यम, साधन और साध्य, इन तीन चीजों का बहुत महत्व होता है। जैसे हम पूजा पाठ करते या जाप करते या आरती करते, ये माध्यम हुआ, सामने मूर्ति रखते या फोटो फ्रेम रखते, ये साधन हुआ, और साध्य होता है परमात्मा से आत्मा का संवाद। और इसीलिए राम मंदिर साध्य नहीं है, राम मंदिर साधन है, साध्य होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के आदर्शों का अपने जीवन में अनुसरण करना, आचरण करना। प्रभु श्री राम जी एक वचनी, एक बानी, एक पत्नी कहलाते हैं। एक वचनी प्रभु श्री राम जी के जब हम भक्त कहलाते हैं, एक वचनी प्रभु श्री राम जी के जब हम भक्त कहलाते हैं, तो देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलने का वादे का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी का क्या हुआ? 2022 तक हर किसी को पक्के घर मिलने का इरादे का क्या हुआ? इन वचनों पर अंतर्मुख होकर विचार करना होगा। प्रभु श्री राम जी का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वो है हर नागरिक को समान न्याय की दृष्टि से देखना। समान न्याय की दृष्टि से देखना, लेकिन समस्त देशवासी देख रहे हैं, जब आईस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की जब कार्रवाई होती है तो सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं, विपक्ष के नेताओं पर, 2 मिनट, विपक्ष के नेताओं पर होती है। और जैसे ही कोई सत्ता पक्ष का दामन थाम लेता है तो भ्रष्टाचार के आरोप पर ईडी की कार्रवाई, सब नामो निशान मिट जाता है। तो क्या ये समान न्याय दृष्टि है? अध्यक्ष महोदय मैं राम मंदिर पे आ रहा हूँ। मैं नारायणगांव से आता हूँ, जो तमाशा पंडरी कहलाती है, और तमाशा लोकनाट्य ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा है। प्रस्ताव से सहमत है या असहमत है, इस पर बोलिए। जी मैं सहमत हूँ, इसीलिए इसी पर आ रहा हूँ। और तमाशा ये हमारी परंपरा है, इसमें वगनाट्य होता है और ये वगनाट्य व्यंगात्मक रूप से होता है। तो ये व्यंगात्मक रूप से लिखने वाले एक लेखक ने मुझे कहा कि वो कलयुग का रामायण लिख रहे हैं। तो मैंने पूछा, कैसे? कलयुग में कैसे राम होगा? कलयुग में राम लल्ला आएंगे, लेकिन रामायण कैसे होगा? तो वो वगनाट्य लेखक ने मुझे कहा, देखो रामायण में कांचन वृक्ष का लालच दिखाकर रावण ने सीता का हरण किया था, कलयुग में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाकर चुनाव चिन्ह पार्टी और नेताओं का हरण होता है। रामायण में सीता मैया अशोकवन में विलाप कर रही थी, आज लोकतंत्र कलयुग में विलाप कर रहा है। तो मैंने पूछा, सर सिर्फ 2 मिनट दीजिए। तो मैंने पूछा, इसके उपाय क्या है? क्योंकि रामायण में तो हनुमान जी ने समुद्र लांघकर सीता मैया को राम जी की अंगूठी दी और उनका ढाढ़स बांधा। उन्होंने बोला, आज भी हो सकता है। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने बोला, उन्हीं हनुमान जी से प्रेरणा लेकर समस्त देशवासियों को झूठी गारंटी और झूठे प्रोपेगेंडा का समुद्र लांघकर मतदान की अंगूठी देनी होगी और लोकतंत्र का ढाढ़स बांधना होगा। अंत में अध्यक्ष महोदय, आई एम कंक्लूडिंग,